अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जायका विद हिना। आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी टमेटो राइस। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई रेसिपीज अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 बेलीफ, 1/2 टीस्पून राई। इन सारे खड़े मसालों को ऑयल में हम इन्फ्यूज होने तक पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून चना दाल, 1/2 टेबलस्पून उड़द दाल। उड़द दाल को माश की दाल भी बोलते हैं। अब हम 3 से 4 मिनट तक दाल को सॉटे करेंगे ऑयल में जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। देखिए हमारी दाल का कलर चेंज होने लगा है, तो मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही दाल को फ्राई करेंगे। अब हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्चें 3 से 4 और 3 से 4 हरी मिर्चें और तकरीबन 1 टेबलस्पून करी लीव्स। मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो इन सब को सिर्फ 1 मिनट तक ऑयल में सॉटे करेंगे। फिर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज और प्याज को भी हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक ही ऑयल में पकाना है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई रेसिपीज अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। और जितने भी कुकवेयर्स, यूटेंसिल्स या स्पैचुलास मैं यूज़ कर रही हूँ इन सब का अमेज़ॉन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो वहाँ क्लिक करके आप भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं रेसिपी की तरफ। हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है और अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करने के बाद हमें इसको इस कदर पकाना चाहिए ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट को बाकी मसालों के साथ भून लिया है और अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे 2 पिंच हींग। एक अच्छा सा मिक्स देंगे और ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर। अगर टमाटर लाल रहेंगे तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, नहीं तो आप थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे नमक को ऐड करने से टमाटर का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लिड को क्लोज करके हमने 6 से 7 मिनट तक टमाटर को अच्छी तरह से पका लिया है। तो देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे टमाटर गल के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले, जो कि 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को ऐड करके अच्छा सा मिक्स देंगे और लिड क्लोज करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। देखें कितनी अच्छी तरह से हमारे टमेटोज गल चुके हैं और मसाला भी तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड राइस, जो कि लगभग 300 ग्राम्स है। आप इसमें लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेशली कुक्ड राइस भी यूज़ कर सकते हैं। राइस को अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे लो फ्लेम पे। तो देखें हमारा टमाटो राइस बनके तैयार है और इसको गार्निश करेंगे कटी हुई हरी धनिया के साथ।
हमारी डिश तैयार है, तो चलें सर्व करते हैं हरी चटनी और प्याज के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चले फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस रेसिपी को ट्राई करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें।